नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बेबी स्वेटर के सेकंड पार्ट को लेकर हाजिर हूँ और आज हम इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो इसके बॉर्डर में मैंने 80 डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, तो फ्रंट में भी हम 80 डिज़ाइनर फंदे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि धागा हमारा छोटा पड़ जाता है, फंदे पूरे नहीं डल पाते हैं और धागा छोटा हो जाता है, तो इस दशा में हमें पूरे फंदे खुलने पड़ते हैं। लेकिन आज हम एक ट्रिक लगाएंगे जिससे हमें फंदे नहीं खुलने पड़ेंगे और हम अपना पूरा फंदे आसानी से डाल सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम ऊन लेंगे और ये जो हमारा धागा है इसके बीच से हम इसको निकालेंगे। इसे निकाल लिया, अब इसको ऐसे बराबर कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा थ्रेड जो है वो लंबा हो गया और अब हम जितने फंदे हमें डालने हैं उतना हम डाल सकते हैं। डिज़ाइनर फंदे का को डालने के लिए मैंने अपने चैनल में कई बार बताया था, आज फिर से देख लीजिए। पहला फंदा हम ऐसे नॉर्मल डालते हैं और दूसरे फंदे को, पहले फंदे को हम ऐसे नॉर्मल जैसे डालते हैं वैसे ही डालते हैं और दूसरे फंदे के लिए धागे के नीचे ऐसे अंगूठा लगाते हैं और इस पूरे धागे को सिलाई के ऊपर ऐसे रख देते हैं। और अब ये जो हमारा सिंगल थ्रेड है उसको सिलाई पे लपेटते हैं और इसको ऐसे पलट देते हैं और ऐसे खींच लेते हैं। डिज़ाइनर फंदे में दो दो के जोड़े में फंदे पड़ते हैं, देखिए दो दो के जोड़े में फंदे पड़ते हैं, तो हम 80 फंदे डालेंगे। तो 80 फंदे डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने 80 डिज़ाइनर फंदे डाल लिए हैं। अब हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा यानी सिंगल रिब में हम 17 लाइन बुनेंगे। तो 17 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 17 लाइन कंप्लीट कर दिया है और ये 18वां लाइन है और हम रॉन्ग साइड में हैं। इस लाइन में हम अपना सिलाई चेंज करेंगे। अब 10 के बजाय हम 9 नंबर से बुनेंगे और अब हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए एक बार हम नीचे से बुनाई करेंगे, देखिए, और फिर हम जो सिलाई में फंदा लगा है उससे बुनाई करेंगे। तो हमने एक फंदे से दो फंदे बना लिए। इस लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पे हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए, एक फंदा हम नीचे वाली लाइन से बनाएंगे, नीचे वाली लाइन से बनाएंगे। एक फंदा हमने बना लिया और दूसरा फंदा जो फंदा सिलाई में है उससे एक फंदा बना लेंगे। तो देखिए, हमने दो फंदे बना लिए। इसी तरह कुछ कुछ दूरी पे हमें कुल 11 फंदे बनाने हैं, क्योंकि ये हमारा फ्रंट का साइड है तो हम 11 फंदे बनाएंगे। फंदे अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो दूसरे कलर के ऊन से, दूसरे कलर के ऊन से हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे। पहले छोटे वाले सिरे से हम बुन लेंगे एक दो फंदे। इससे क्या होगा कि फंदे ये खुलेगा नहीं हमारे और हमें गांठ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस छोटे वाले सिरे को इसमें लपेटते जाएंगे। फंदे सीधे हो गए हैं, अब ये हमारा तीसरा फंदा से हम बुन लेंगे। तीन फंदे सीधे, चौथे फंदे को हमें स्लिप करना है। तीन फंदा हमें सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है। तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करना है। तो इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा कलर लगाने के बाद पहली लाइन कंप्लीट कर ली है, अब हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। बुने हुए फंदों को हम सीधा बुनेंगे और ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को, यानी तीन फंदा जो हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था
उन तीन फंदों को हम बैक साइड से भी सीधा बुनेंगे और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे वापस हम स्लिप करेंगे, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे। स्लिप किया, फिर तीन फंदे सीधे, फिर उन अपनी ओर किया, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप किया, उन दूसरी ओर किया और तीन फंदे सीधे। तो इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड से सभी फंदे बुन लिए। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं, तो अब हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा। देखिए ये जो हमने फंदा स्लिप किया था, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले इन तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे और जिन तीन फंदों को हमने पिछली लाइन में बुना था, तो अब की उसके बीच का फंदा यानी दूसरे फंदे को हमें स्लिप करना है। नेक्स्ट तीन फंदा, ये स्लिप किया हुआ फंदा, उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन तीन फंदों को हमें सीधा बुनना है। तीन फंदे सीधा बुना, चौथे फंदे को स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करना है। इन्हीं चार फंदों को रिपीट करते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदे बुन लिए। अब हम फिर आ जाएंगे रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में बुने हुए फंदों को हम सीधा बुनेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने डिज़ाइन का चौथा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारे डिज़ाइन का पांचवा लाइन है। तो पांचवे लाइन में हम अपना पहला लाइन ही रिपीट करेंगे। अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पांचवा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और छठे लाइन में हम अपने दूसरे लाइन को दोहराएंगे, यानी बुने हुए फंदे तीन फंदे इसे हम सीधा बुनेंगे और चौथे फंदे को ऊन अपनी ओर करेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, उन दूसरी ओर बुने हुए तीन फंदे सीधा, ऊन अपनी ओर और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिज़ाइन के छह लाइन कंप्लीट कर लिए। अब अपने दूसरे कलर के ऊन से हमें 10 लाइन प्लेन बुनना है, यानी कि आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो 10 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 10 लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 6 लाइन का डिज़ाइन बनाना होगा। तो जैसा कि मैंने इसमें बनाया है, देखिए जो भी कलर हमें बना ऊपर लगाना हो, जो भी कलर हमें ऊपर लगाना हो, तो ये 6 लाइन का डिज़ाइन हम उसी कलर से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इसमें देखिए, पहले मैंने ग्रीन से स्टार्ट किया है, फिर येलो है और लास्ट में ग्रीन। पहला लाइन ऊपर वाले कलर से, बीच वाला लाइन नीचे वाले कलर से, फिर लास्ट वाला लाइन यानी पांचवा लाइन ऊपर वाले कलर से, फिर 6 लाइन बनाने के बाद 10 लाइन का ये डिज़ाइन। तो इस तरह हम 10-10 लाइन के बाद 6 लाइन का डिज़ाइन बनाएंगे और इस तरह कलर बदलते हुए हम 10 इंच बुन लेंगे। तो 10 इंच बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 इंच कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, अब पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार देंगे। एक फंदा हमारा घट गया, दूसरा फंदा घट गया, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को
उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार देंगे। तो तीन फंदे घट गए और ये चार फंदे घट गए। चार फंदे घटाने के बाद शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और हमें इस साइड भी चार फंदे घटाने होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले फंदे को उतार लेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले फंदे पे ऐसे उतार लेंगे। नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे उतार लेंगे। तो हमने दो फंदे घटा लिए, दो फंदे और हमें घटाने होंगे। ये हो गया तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा। तो हमने चार फंदे घटा लिए, शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर आ जाते हैं सामने की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। तो एक फंदा हमने घटाया और दो फंदा। तो पहली लाइन में हमने चार फंदे घटाए, अगली लाइन में हमने दो फंदे घटाए। शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और इस लाइन में हमें दो फंदों को घटाना है। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे ऐसे उतार देंगे। एक घट गया, दो घट गया। तो हमने चार घटाया, फिर दो घटाया। शेष फंदों को उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ आए हैं और इस लाइन में हमें सिर्फ एक फंदा घटाना है। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को हम आगे वाले पे उतार देंगे। तो हमने चार दो एक करके सात फंदे घटाए हैं। चार दो छः और एक सात, सात फंदे हमने घटा लिए। शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर दी। अब हम फिर आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और इस लाइन में हमें सिर्फ एक फंदा घटाना है। पहले फंदे को स्लिप किया, अगले फंदे को उल्टा बुना, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा उतार देंगे। तो हमने सात फंदे टोटल घटाए हैं, चार दो और एक। इस तरह हमने मुड्ढे पे फंदे, सात फंदे घटा दिए। शेष फंदों को हम उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। तो टोटल फंदे 91 स्टिचेस थे। 77 स्टिचेस दोनों तरफ से घटने के बाद आर्म होल पे हमने 7421 के हिसाब से 7 फंदे एक साइड में और 7 फंदे दूसरे साइड में घटाए, यानी टोटल हमने 14 फंदे घटा लिए। और अब हम इसमें वी नेक बनाएंगे। तो हमें तो 91 में से 14 स्टिचेस घट गए, तो बचे 77 स्टिच। तो अब हम वी नेक बनाने के लिए हमें एक साइड में 38 फंदे बुनने होंगे। तो 38 फंदा बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36 और 38 ये मैंने 38 स्टिचेस बुन लिए हैं और इस साइड में 39 स्टिचेस हैं। तो एक फंदे को, बीच वाले फंदे को हम सेफ्टी पिन पे ऐसे उतार लेंगे। 39th स्टिच को हम वी नेक के लिए सेफ्टी पिन पे उतार देंगे। शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और यहाँ पे हम अपने सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए मिडिल फंदे तक पहुँचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए मैं सेफ्टी पिन वाले फंदे के पास पहुँच गई हूँ। यहाँ पे हम अपना दूसरा ऊन लगाएंगे। अब हमें इस साइड की बुनाई करने के लिए तो यहाँ पे हम अपना दूसरा थ्रेड लगाएंगे और
छोटे वाले सिरे से एक दो फंदे बुन लेंगे तो ये खुलेगा नहीं। और अब बड़े वाले सिरे से बुनाई करेंगे और इस सिरे को हम ऐसे लपेटते जाएंगे। तो हमने सभी फंदों को बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं तो हम बुनते हुए अपने मिडिल फंदे तक पहुंचेंगे। तो वहां पहुंच के मैं आपको दिखाती हूं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सभी फंदे बुन लिए हैं और लास्ट के दो फंदे बचे हुए हैं। तो ऐसे हम दोनों को एक साथ लेते हुए और सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया। अब हम फिर दूसरे साइड में आ गए हैं तो दो फंदों को लेंगे। पहले इस फंदे को ऐसे यूँ सीधा करेंगे और एक और फंदे को लेंगे। दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में घटा दिया। शेष फंदों को सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। घटाने का कार्य हम सिर्फ सामने की तरफ से करेंगे, रॉन्ग साइड से नहीं करेंगे। और देखिए हमने दोनों फंदों को एक ही लाइन में घटाया है। देखिए इससे क्या होगा कि साथ साथ फंदे घटेंगे और घटाने में सफाई आएगी, फंदे उठाने में भी सफाई आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड से बुनाई कर ली और अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं और इसके साथ ही हमारा ये 10 लाइन कंप्लीट हो गया है। यानी अब हमें ये 6 लाइन का डिज़ाइन बनाना होगा। तो इसके लिए हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और दूसरे कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे। पहले छोटे वाले सिरे से एक दो फंदा बुन लेंगे। तो 3 फंदा सीधा बुना, चौथे फंदे को स्लिप किया। अब बड़े वाले सिरे से बुनेंगे तो 3 फंदा सीधा, इसको ऐसे लपेटते जाएंगे और चौथे फंदे को स्लिप करना है। इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट के 2 फंदों को हम छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लाइन कंप्लीट कर ली है, 2 फंदे अब शेष रह गए हैं। तो डिज़ाइन के मुताबिक इस वाले फंदे को, सेकेंड लास्ट को हमें उतारना था और लास्ट फंदे को सीधा बुनना था। लेकिन यहाँ पे हमें फंदे घटाने हैं तो इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखिए गले पे हमने ये दूसरा फंदा घटाया है। अब इस साइड भी हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को एक साथ लेंगे और यहाँ पे भी हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो दूसरे कलर के ऊन से हम 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, जैसे कि हमारा इस साइड डिज़ाइन है। देखिए 4 फंदे हैं तो इस साइड भी 4 फंदे होने चाहिए। फिर अगला फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट 3 फंदे सीधे, अगला फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदे सीधे। तो इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड से मैंने बुने हुए फंदे को सीधा बुन लिया है और सिर्फ स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लिया है। अब ये लास्ट फंदा है तो इसे हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेंगे। फिर अब हम गले के दूसरी साइड में आ गए हैं तो पहले वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को दूसरी तरफ करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर सामने की तरफ आ गए तो अब की हम अपने मेन कलर के ऊन से एक फंदा सीधा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा। तो इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए हम गले के पास पहुंचेंगे। तो वहां पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदे बुन लिए हैं, अब लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। तो इन दोनों को हम ऐसे एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। 2 फंदों को एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 का एक। तो यहाँ पे हमने गले पर तीसरा फंदा घटा लिया
हमने हर सीधी लाइन में फंदे घटाए हैं, यानी लगातार हमने 3 फंदे घटाए हैं। तो इस साइड भी हम अपना 3रा फंदा घटा लेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक। तो अभी तक हमने हर सीधी लाइन में फंदे घटाए हैं, लेकिन अब हमें एक सीधी लाइन छोड़ के फंदे घटाने होंगे, यानी हर 5वीं लाइन में हम फंदे घटाएंगे। अब हम लगातार हर सीधी लाइन में फंदे ना घटाकर एक सीधी लाइन छोड़कर, यानी हर 5वीं लाइन में हम फंदे घटाएंगे। देखिए फ्रेंड, हम रॉन्ग साइड में बुनाई कर रहे हैं और ये हम गले के पास आ गए हैं, तो लास्ट वाले फंदे को हम बुनेंगे नहीं, बल्कि इसे बिना बुने सरका लेंगे, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब इस साइड भी हम पहले वाले फंदे को बुनेंगे नहीं, इसे स्लिप कर लेंगे। नेक्स्ट फंदे को हमें स्लिप करना है, तो इसे भी हम स्लिप करेंगे और उनको दूसरी तरफ करके बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 6 लाइन का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और अब हमें अपने दूसरे कलर के ऊन से 10 लाइन प्लेन बनाना होगा, यानी सामने से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। और बुनाई करते हुए हम गले के पास पहुँचे हैं, तो पिछली लाइन में हमने कोई फंदे नहीं घटाए हैं, यानी इस लाइन में हमें फंदे घटाने हैं। तो दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक कर लेंगे। अब इस साइड भी हमें फंदा घटाना है, तो 2 फंदों को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए 2 का एक करेंगे। हम एक साथ दोनों तरफ के फंदे घटा रहे हैं, इससे ये फ़ायदा होगा कि गले का शेप बहुत अच्छा आएगा। तो इस लाइन में हमने फंदे घटाए, यानी नेक्स्ट सीधे लाइन में हमें फंदे नहीं घटाने हैं, एक सीधा लाइन छोड़ के हमें फंदे घटाने हैं। तो बैक पोर्शन पे, शोल्डर पे हमने 25 फंदे रखे हैं और सामने की तरफ भी हमें 25 फंदे ही रखने होंगे। 38 फंदे थे, हमने 4 फंदे घटा लिए हैं और हमें शोल्डर पे 25 फंदे रखने हैं, यानी अभी हमें 9 फंदे और घटाने हैं। तो एक सीधी लाइन में हम फंदा घटाएंगे और एक सीधी लाइन में फंदा हम नहीं घटाएंगे, यानी हर 5वीं सिलाई में हम फंदा घटाएंगे। इस तरह करते हुए हमें 9 फंदे और घटाने हैं, यानी जब तक हमारे पास शोल्डर पे 25 फंदे ना रह जाएं, तब तक हमें फंदे घटाने हैं। तो 25 फंदे करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने हर 5वीं लाइन में फंदे घटाए, तब तक घटाया जब तक कि दोनों साइड में 25-25 फंदे रह गए। तो 25 फंदे रह हो जाने के बाद, 25 फंदे शेष रहने के बाद मैंने घटाना बंद कर दिया और सिर्फ देखिए यहाँ पे ये सीधा गया है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ इसकी लंबाई पूरी की गई है, कोई भी फंदा नहीं घटाया गया है। अब इस समय दोनों साइड में 25-25 फंदे रह गए हैं और ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को आपस में ज्वाइन करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बैक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर ऐसे ही रख देंगे, इन दोनों पार्ट्स को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, सीधा वाला हिस्सा अंदर की तरफ रहेगा। तो इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे और अब एक तीसरी सिलाई लेंगे जिसके दोनों सिरे खुले हुए हों, यानी गले वाली सिलाई। अब क्या करेंगे, एक फंदा हम बैक से और एक फंदा फ्रंट से, दोनों पल्लों से एक एक फंदा हम तीसरी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। देखिए एक बार पीछे वाली सिलाई से और एक बार आगे वाली सिलाई से, दोनों सिलाइयों से हम एक एक फंदा तीसरे सिलाई पे ऐसे उतारेंगे। इससे क्या होगा कि फंदे गिरने का डर खत्म हो जाएगा और हमें बुनने में आसानी होगी, क्योंकि हमने गले वाली सिलाई ली है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पल्लों को आपस में ज्वाइन कर लिया है और चूंकि हमने गले वाली सिलाई ली है इसलिए हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसको हम ऐसे सरकाएंगे और फिर जो सिरा यहाँ पे रह गया है उससे हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनेंगे। दो को एक साथ लिया, उल्टा बुन लिया, नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लिया, उल्टा बुना और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे ऐसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट देखिए, ऐसे दो दो के पेयर में सारे फंदे हैं तो हम दो दो फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे ऐसे उतार लेंगे। देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ होना शुरू हो गया है। हमारे फंदे बाइंड ऑफ होना शुरू हो गया है तो सारे फंदे क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। अब हम ये जो लास्ट फंदा बचा है उसमें से इस धागे को थोड़ा सा ऐसे लंबा काटेंगे और इस फंदे से ऐसे निकाल लेंगे। और ये जो पीछे वाला सिरा है इसको भी हम इससे ऐसे बांध लेंगे। अब बाद में हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए इसी तरह हमें इस साइड के भी फंदों को बाइंड ऑफ करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इस पार्ट को भी एक दूसरे में ज्वाइंट करना है। ये हमें शोल्डर बनाना है तो क्या करेंगे कि हम चाहें तो एक फंदा इस पीछे वाली सिलाई से, एक फंदा आगे वाली सिलाई से लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए इस तरह भी हम बुन सकते हैं बिना इसको उतारे हुए। लेकिन इससे ये होता है कि फंदे गिरने का डर रहता है और इस तरह हमें इस तरीके में हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप उस तरह से इसे बाइंड ऑफ कर सकते हैं। या तो दोनों फंदों में से एक एक फंदे, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे को लीजिए और तीसरे सिलाई से इसे बाइंड ऑफ करते जाइए। देखिए इसमें टाइम लग रहा है तो मुझे यही अच्छा लगता है कि हम तीसरे सिलाई पर दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे को उतारते जाऊं। इस तरह बहुत ही सहूलियत होती है, फंदे भी नहीं गिरते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो तीसरी सिलाई पे हम दोनों सिलाइयों के फंदे हम तीसरी सिलाई पे कर लेंगे। ऐसे करके हम देख लेंगे कहीं कोई फंदा गिर तो नहीं गया है, ऐसे करके हम देख लेंगे कहीं कोई फंदा गिर तो नहीं गया है। उसके बाद हम आसानी से फंदों को बाइंड ऑफ कर सकते हैं। ऐसे दो दो के पेयर में हम फंदे लेते जाएंगे, उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे उतारते जाएंगे। इस तरह बुनना आसान होता है और फंदे गिरने का कोई डर नहीं रहता। और टाइम भी कम लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस साइड के भी सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दिए। अब ये लास्ट फंदे में से हम धागे को निकालेंगे, खींचेंगे और फिर ये जो दूसरा सिरे का धागा है इसको इसी में हम ऐसे बांधते हैं। और देखिए इसे सीधा किया। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अगले पार्ट में हम इसका वी नेक कॉलर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।